Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो महफिल सज चुकी है, सारे रॉकस्टार आ चुके हैं और करंट अफेयर्स की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और हमेशा की तरह अपने मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरू करेंगे अपना सेशन। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट ये रहा आपके सामने, एवरी ग्रेट स्टोरी ऑन द प्लैनेट हैपेंड व्हेन समवन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप बट केप्ट गोइंग नो मैटर वॉट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमेशा शुरुआत कैसे होती है, आपको पहले तो माइंड में ये रखना है कि कभी गिव अप करना ही नहीं है, गिव अप करना नहीं है और हमेशा चलते रहना है, तभी अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकेंगे। गिव अप कौन करता है, लूजर। वी आर नॉट लूजर, वी आर रॉकस्टार। हम डोमिनेट करने के लिए दुनिया में आए हैं और हम डोमिनेट ही करेंगे। तो शाम का समय है, चाय के साथ शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। हालांकि चाय मुझे तो नहीं मिली है, आप लोग पी सकते हैं अपने घर बैठकर। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं आपसे। और आज जो इंडेक्सेस आपको हम दिखाने वाले हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम से एक्स्ट्रा हाईलाइट आपके लिए लेकर हम आए हैं। और शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की और स्टार्टिंग करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के साथ। सब लोग यहां पर आ चुके हैं, मजा आने वाला है, टाइम बहुत है हमारे पास। मॉर्निंग में 8:30 पर शेफाली मैम की क्लास होती है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, बट आज मैं पूरा टाइम लूंगा आपका, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। गवर्नमेंट स्कीम में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च कर दिया गया है, ये आपको पता है, बजट में मैंने आपको पढ़ाया भी है। और कहां से लॉन्च किया गया है, तो ये इसके लिए हम चलते हैं आगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहां पर देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एट गांधीनगर। तो ये स्कीम गांधीनगर से लॉन्च की गई है, आप ये देख पा रहे हैं, नाम आपको पता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर हैं उनके लिए एक ही अच्छी पेंशन स्कीम है, जिसमें आफ्टर 60 ईयर इनको जितने पैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा, वो इस स्लाइड पर नहीं है। तो देखिए, ये एक नेशनल पेंशन स्कीम है फॉर वर्कर एंड लेबर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है आपका, ठीक है। और अगर आगे बढ़े देखिए, तो इस पेंशन स्कीम में 3000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे लेबर्स को आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज, 60 साल के बाद। हाँ, इन्हें 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, ये तो है ही गवर्नमेंट का। चलिए, इस स्कीम से 10 करोड़ वर्कर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये स्कीम आपको मालूम है, बजट में हमने पढ़ाया भी है कितना अमाउंट मिलेगा पर मंथ पेंशन के रूप में, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो पहला जो हमारा न्यूज था वो यहां पे कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको यहां पर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, गांधीनगर से लॉन्च किया, हम उसकी बात करने आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक, एक बात समझिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा पावर दिया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बोला भी था कि जो पावर यूएस के प्रेसिडेंट के पास है वही पावर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होने वाला है। क्या आपको पता है कि किस आर्टिकल के तहत हमारा प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, पॉलिटी का पॉइंट है, आइए इस पर बात थोड़ी कर लेते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आर्टिकल 75 प्रोवाइड दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। तो पहली न्यूज हम क्या पढ़ रहे हैं वो आपको मालूम चल गया, हमने गवर्नमेंट स्कीम की बात की, हमने प्रधानमंत्री मानधन स्कीम की बात की, जो लेबर क्लास के लोगों को 3000 रुपए पर मंथ का एक पेंशन स्कीम दिलाएगा, लेकिन 60 साल होने के बाद। चलिए, कहां से लॉन्च हुआ, गांधीनगर से लॉन्च हुआ। यहां पर आपके लिए एक लिस्ट हम लेकर आए हैं जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, तो हमारे यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक स्टार स्कीम लॉन्च की थी नेशनल साइंस डे पर। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है आपको मैंने पढ़ाया है। स्टार का एब्रीविएशन क्या है, स्कीम फॉर ट्रांसनेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। तो स्टार स्कीम लॉन्च किसने की है आपको ये मालूम चल गया, ये साइंस डे के मौके पर इसका उद्घाटन हुआ, ठीक। आइए, ये पहली स्कीम का रिवीजन आपको हम करा रहे हैं। दूसरे स्कीम की बात करते हैं, यहां पर कर्नाटका ने जलामूर्था स्कीम लॉन्च की है, आपको ये पढ़ा चुका हूं। नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम लॉन्च की थी ना, जो गोरखपुर से है ना, तो आपको मैंने पढ़ाया ही है। तो एमपी ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च की है, आपको यह भी पता है। ओडिशा गवर्नमेंट ने कालिया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लॉन्च की है, पढ़ाया गया आपको। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, यह भी आपको पढ़ाया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
कंप्यूटर जी एसएलआर स्लाइड हटा देनी चाहिए ये वाली। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4089 करोड़ रुपीस अप्रूव किए थे तेंबू इरिगेशन स्कीम, आपको ये भी पढ़ाया गया है। अभी कंप्यूटर जी आपको ये हटा दे रही है यूट्यूब वाला डॉट कॉम वाला, तो आपको ये पॉइंट दिख जाएगा। हालांकि हाँ बस देख लीजिए, तो तेंबू इरिगेशन स्कीम के लिए ये आपको पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम की। तो हमने स्टार्टिंग की गवर्नमेंट स्कीम की और 2019 और कुछ 18 की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम का आपका जल्दी से एक रिवीजन भी करा दिया। अब शुरू करते हैं इसरो के बारे में। चलिए यहां पर सारे बच्चे आ चुके हैं और आपको यहां पर हम बताएंगे भी करंट अफेयर्स का सोर्स बताएं। हमारा टेक्स्टबुक का 7:30 पे करंट अफेयर्स पढ़ने वाला और हमारे ब्लॉग पर आपको वीकली और मंथली पीडीएफ भी मिल जाएंगे। चलिए, इसरो ने लॉन्च किया यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी न्यूज हम रिविजन कराएंगे, आपको बने रहना है हमारे साथ। देखिए, इसरो लॉन्च अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। तो इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हाल ही में किस बॉडी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या होगा? इसरो। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको समझने हैं इसमें। देखिए पूरा, देखिए, कैच देम यंग, ये एक थीम थी इसरो की। कैच देम यंग का मतलब क्या हुआ कि जो यंग बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करना, उनको सेलेक्ट करके उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन भरना। आइए देखो उसकी बात करते हैं। कैच देम यंग ये थीम है। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी अराउंड 2 वीक। तो 2 वीक का ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ड्यूरेशन ड्यूरिंग समर हॉलीडेज विथ अ प्रपोजल टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। यानी हर राज्य से और यूनियन टेरेटरी से 3-3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, कवरिंग CBSE, ICSE एंड स्टेट सिलेबस। यानी CBSE बोर्ड के बच्चे होंगे, ICSE बोर्ड के बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, ये बात है। ठीक, तो ये चीज हमने आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी है। कैच देम यंग, भूलना नहीं है चीज। तो गर्मियों की छुट्टी में ये 2 वीक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और हर स्टेट से 3-3 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, देखिए यहाँ पर हम इसरो के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करने वाले हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या आपको याद है? इसरो के चीफ कौन है, क्या आपको याद है? आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, तो अगर इसरो के हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और डॉक्टर के शिवान जो है ये सेक्रेटरी हैं एंड चेयरपर्सन है इसरो के। ठीक, सेक्रेटरी स्पेस, मतलब स्पेस का मतलब ये जो मिनिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें सेक्रेटरी भी हैं और इसरो के ये चेयरपर्सन भी हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, हेडक्वार्टर और चीफ आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ न्यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको यहां पर हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स आपने नाम सुना होगा, है ना? तो इसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था अ न्यू एस्ट्रोनॉट कैप्सूल ऑन अ वीक लॉन्ग राउंड ट्रिप टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेसएक्स ने एक एस्ट्रोनॉट कैप्सूल को लॉन्च किया था। 1 वीक का यह लंबा प्रोग्राम था, उसकी इंफॉर्मेशन उसके बाद देखें। तो नासा के साइंटिस्ट ने यूएस स्पेस एजेंसी में एक प्रोग्राम बनाया है। ये क्या करेंगे, ये करेंगे डीप सी ओशियन कंडीशन। डीप ओशियन कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है, लोग बोलते हैं कि पानी से हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि पानी में बिजली गिरने की वजह से वहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हुई और एक कोशिका जन्मी और इस कोशिका से ही लाइफ की उत्पत्ति हुई। ये वही एक्सपेरिमेंट करने वाला है नासा। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर, तो गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए IRCTC ने अपना एक पेमेंट एग्रीगेटर IRCTC IP लॉन्च किया था। यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे देख लीजिए यहां पर, तो 21 TB माइक्रो SD कार्ड को लॉन्च किया गया। कहां पे? वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहां पर हुआ? बार्सिलोना। यह भी देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहां पर हुआ? बार्सिलोना में हुआ। वहां पर 1 TB की दो माइक्रो SD कार्ड को लॉन्च किया, 1 TB की माइक्रो SD कार्ड को लॉन्च किया। ये बड़ी खबर है। और ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहां पर हुआ? बार्सिलोना में हुआ। तो कंपनी कौन सी थी वो देख लीजिए, तो सैंडस की एक कंपनी है वेस्टर्न डिजिटल, उसने और मिक्रॉन ने, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया 1 TB की 2 SD कार्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे रहा है।
आगे बात करते हैं, आगे बात देखिए यहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था सी विजिल के नाम से, और ये केरला तिरुवनंतपुरम में ये लॉन्च किया था, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। उसके बाद अगर आगे बात करें, अ स्टडी कंडक्टेड बाई 200 साइंटिस्ट फ्रॉम 18 कंट्रीज हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ 3 lakh न्यू गैलेक्सीज यूजिंग अ लो फ्रिक्वेंसी एरे लोफर, देख लीजिए यहाँ पर, टेलीस्कोप इन द नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में एक टेलीस्कोप है लोफर, ये भी याद कर लिए, स्टडी पॉइंट है। तो यहाँ पे 18 कंट्री से 200 साइंटिस्ट ने 3 lakh नई गैलेक्सीज को खोजने के लिए एक मतलब डिस्कवरी की है यहाँ पर, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, लोफर वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसराइल ने अपना एक मून लैंडर लॉन्च कहाँ से किया, मून लैंडर्स का नाम क्या था, इसका नाम था जेनेसिस बोल लीजिए या बेरेशीट बोल लीजिए, ये स्पेसएक्स फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, ये भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखें, हमारे लॉ मिनिस्टर जो कि रविशंकर प्रसाद है, इन्होंने न्याय बंधु नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। अगर देखिए इसकी बात करें तो हमारे देश में परम शिवाय नाम का सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च हुआ है, और ये कहाँ पे, आईआईटी बनारस, आईआईटी बीएचयू कैंपस में लॉन्च हुआ है, ये भी देख लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आगे बात करें तो एंटबोट एक वॉकिंग रोबोट लॉन्च किया गया है जो विदाउट जीपीएस होगा, इसमें एक अल्ट्रा वायलेट रेस से रास्ता पहचानने की क्षमता इसमें एंटबोट, उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी लाइक सुपर कंप्यूटर, ये भी पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें फॉर कुंभ मेला, तो कुंभ मेले के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या मतलब इसका है, आइए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, द प्रयागराज कुंभ मेला 2019 सिक्योर्ड अ प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रयागराज कुंभ मेला को जगह मिल गई है, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और ये क्यों मिली है, देखिए, तो लार्जेस्ट क्राउड मैनेजमेंट के लिए, लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव के लिए, और लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज के लिए इन्हें ये जगह मिली है, वो भी देख लीजिए, लार्जेस्ट क्राउड मैनेजमेंट, लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव एंड लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट्स। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट हमें बात हो गई, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। कुंभ मेला जो है, कुंभ फेस्टिवल, ये 14 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 4 मार्च को खत्म हुआ, तो ये भी आपको देखना कि कब ये शुरू हुआ, कब ये खत्म हुआ, मे भी हमारा समय खराब हो तो हमसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्लास आपकी मॉर्निंग में ही होगी 7:30 पे, आज एक्सेप्शन वाला केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताया गया कि अराउंड 24 करोड़ लोग इस मेले में आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अगला कुंभ मेला है 2022 में जो होगा वो कहां पर होगा, हरिद्वार। हरिद्वार विल बी वेन्यू फॉर नेक्स्ट कुंभ इन 2022। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हुए अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कुंभ मेले के बारे में मैं आपको पहले भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं और आज भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पे ये सबसे बड़ा क्राउड जहां पे लोग आते हैं वो मेला है, मतलब इवेंट है पूरे अर्थ पे, इससे ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक, देखिए इसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे कि आपको पढ़ना क्या है, तो प्रयागराज में तो आपका गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन होता है, तो यहाँ पे इसलिए प्रयागराज नाम रखा गया है। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, अच्छा हाँ, ये देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लिस्ट में शामिल है यूनेस्को के, हमारा कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है यूनेस्को ने 2017 में इसे अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया था, ये पॉइंट अभी तक आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम के पॉइंट अभी से। ठीक है, और अगर आगे बात करें तो कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर, तो 12 साल के वैसे अगर देखा जाए तो कुंभ मेला जो है वो जो मेन कुंभ मेला है वो एक बार में 12 साल के बाद ही लगता है, क्योंकि हमारे देश में 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, हरिद्वार की बात करें तो गंगा रिवर पे उत्तराखंड, उज्जैन की बात करें तो शिप्रा रिवर पे मध्य प्रदेश, नासिक की बात करें तो गोदावरी महाराष्ट्र, और प्रयागराज की बात करें तो गंगा रिवर पे ये होता है। तो बेसिकली देखिए, अगर आप साइंटिफिक रीजन जानेंगे इसका, तो साइंटिफिक रीजन ये है इसका कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कुंभ मेला स्पैन्स ओवर 4 लोकेशन इन इंडिया एंड द मेला साइट्स कीप रोटेटिंग बिटवीन 1 और 4 पिलग्रिम्स। तो ये चारों जो आपके हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पर ये रोटेट होता रहता है। और मैं आपको एक बार ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ पर, बता दूँ बात कि अगर पौराणिक बात करेंगे तो समुद्र मंथन के टाइम पर जो विष की बूंदें छलकी थी वो इन्हीं चारों इस प्लेस पर गिरी थी, इसीलिए कुंभ मेला यहाँ पर लगता है, ये हमारी पौराणिक बातों में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 प्लेस कौन से हैं वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया, और आगे बढ़े तो देखिए, साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो सन का
सन और मून की जो पोजीशन होती है, हर चार साल में उसकी कंडीशन चेंज होती है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे चारों जगह पर लगता है। ठीक है, जो मानना है वो मानिए, सब सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट क्या है, देखिए तो वेटरन इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रणधीर सिंह की हम बात कर रहे हैं। रणधीर सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द 2020 हांगझाउ एशियन गेम्स। तो 2022 हांगझाउ एशियाई गेम की अगर हम बात करें तो यहां पर रणधीर सिंह जो है अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी। नाम क्या है, रणधीर सिंह। 2022 में हांगझाउ में एशियाई गेम्स होने हैं तो वहां पर ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के। तो एक पॉइंट हमने आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी। और अगर हम आगे बढ़े तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्यों, क्योंकि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने ही इनको अपॉइंट किया। यहां पर देखिए, तो हम इसकी बात थोड़ी सी करने जा रहे हैं आपसे। तो 1982 में ये बना था, हालांकि एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। इसका आपको बहुत पूछेगा तो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कुवैत में है, कुवैत सिटी में है, देख लीजिए यहां पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको लर्न करना है। और आगे बढ़े तो यहां पर केवल आपको एक इमेज दिखाई पड़ रही है, ये कौन है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए तो कोको कोला इंडिया अपॉइंटेड निशी कुलशेस्त्र चतुर्वेदी एज वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो अगर हम बात करें कोका कोला इंडिया की, तो इन्होंने साउथ वेस्ट एशिया के लिए और इंडिया के लिए एचआर की जो पोस्ट होती है, एचआर अपॉइंट किया है किसको, निशि कुलशेस्त्र चतुर्वेदी को। तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स, आजकल काफी इसकी वैकेंसीज आती है, लोग इसका कोर्स करते हैं। एचआर तो मतलब ये होता है कि मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, तो हमारे और आपकी माताजी से अच्छा एचआर कोई आपके लिए हमारे लिए हो सकता है, पता नहीं उन्होंने कभी एचआर कोर्स किया तो नहीं, लेकिन उनसे बेटर एचआर कोई है भी नहीं। कंप्यूटर जी भावुक मत होइए, ये सब बातें हैं केवल। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोका कोला कंपनी के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बस देख लीजिए, और इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी हमने इनके चेयरमैन, इनके सीईओ और प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम आपको बताया हुआ है। ब्रायन स्मिथ का नाम याद रखिएगा, मे बी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, नहीं गाना नहीं है, गाना गाने पे मत जाइए आप लोग, भावनाओं पे रहिए। आइए आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट में ही एक कड़ी और, संजीव रंजन की बात करें, ये टू बी न्यू रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी। संजीव रंजन होंगे नए रोड ट्रांसपोर्ट सचिव, हम उसकी बात यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्या पॉइंट है, इसकी बात कर लें तो सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव रंजन वॉज नेम्ड सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में संजीव रंजन जो है एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। संजीव रंजन, भूलिएगा नहीं नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब इनकी बात थोड़ी सी कर लें आपसे। तो ही इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये चेयरमैन है। ठीक है, अच्छा नगेंद्रनाथ सिन्हा की बात करें तो ये देखो संजीव रंजन क्या है, चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये इससे हट जाएंगे और सेक्रेटरी बन जाएंगे, और इनकी जगह पे नगेंद्रनाथ सिन्हा ले लेंगे जो कि नए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ होंगे, चेयरमैन होंगे। तो अब देखो यहां पर एक पॉइंट ये बन गया कि संजीव रंजन को रिप्लेस कौन करेगा नेशनल हाईवे से, तो इनका नाम है नगेंद्रनाथ सिन्हा, ये आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहां पर क्या होगा, देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हमने क्या आ रहे हैं वो नहीं देखना, वो पहले का था। ठीक, तो ये आपके सामने आ गया। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पर लाइक एंड शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं। आइए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की अगर हम बात करें तो हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे नितिन गडकरी जो है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और डिप्टी मिनिस्टर कौन है, मनसुख एल मंदाविया है। देखिए यहाँ पर ये नाम इनका दिया हुआ है। और अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेक्रेटरी कौन है, युद्धवीर सिंह मलिक हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, मनोज कुमार क्या है, ये डायरेक्टर जनरल है एंड रोड डेवलपमेंट के एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मनोज कुमार, तो ये भी नाम आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर लें, फरवरी की हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बात कर रहे हैं। जैसे अनिल कुंबले की बात करें तो ये अपॉइंट हुए हैं ICC क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है। पीके बेच बरुआ, ये देखो पीके बेच बरुआ ये चेयरमैन बने हैं टी बोर्ड के, ये भी देख लेना यहाँ पर, ये मैंने शायद मिस किया था लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। रवनीत गिल MD CEO बने यस बैंक के, हमको बताइए। नरेश गोयल जो हैं ये जेट एयरवेज के चेयरमैन के तौर से इस्तीफा दे चुके हैं, नरेश गोयल, ये भी आपको मैंने पढ़ाया कहीं ना कहीं। ठीक है,
अच्छा, गोविंद प्रसाद एनबीटी के चेयरमैन बने हैं, ठीक। मोहम्मद बुहारी जो है ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ट्रंप अपॉइंट केली नाइट क्राफ्ट एज यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। देखो ये पॉइंट शायद हमसे मिस था, लेकिन यहां पर हमने ये पॉइंट आपको दे दिया। तो केली नाइट क्राफ्ट की बात करें, ये यूएस एम्बेसडर बनी है यूनाइटेड नेशन की, ये देख लीजिएगा यहां पे, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने प्रिंसेस रीमा बिंट को बनाया है एम्बेसडर फॉर यूएस, आपको ये तो पता, ये मैंने पढ़ाया ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पीडीएफ में सारी चीजें होंगी, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देख लीजिए यहां पर, तो इंडियन आर्मी फॉर्मर मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोडगे ये थर्ड मेंबर अपॉइंट हुए हैं कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर बीसीसीआई, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके जैन को फर्स्ट ऑम्बुड्समैन अपॉइंट किया है बीसीसीआई का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पर विलियम बार की बात करें, ये यूएस अटॉर्नी जनरल बने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देख लीजिए हीना जायसवाल की बात करें, तो ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की फाइटर इंजीनियर बनी है। अश्विनी लोहानी एयर इंडिया के सीएमडी बने हैं, सब पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर नेशनल अफेयर्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो गुरुग्राम इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात यहां पर हो रही है। दिल्ली वैली में तो ये हाल है यार, अगर तुम शाम को बाइक अगर चला लिए, अगर मन किया, तो तुम्हारी आंख इतनी जलेगी कि तुम घर आओगे तो आंखें तुम्हारी रेड हो जाएंगी पूरी। तो आइए उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। तो गुरुग्राम टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन अ रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया। तो ग्रीन पीस इंडिया के स्टडी के हिसाब से गुरुग्राम जो है ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा, इट वॉज रैंक फर्स्ट अमंग 62 पॉल्यूटेड सिटीज इन द रिपोर्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में 62 सिटीज के सर्वे के हिसाब से गुरुग्राम को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है, ठीक। आइए उसकी आगे बात करते हैं, ग्रीन पीस की बात करते हैं, ग्रीन पीस क्या है, ठीक। देखिए ग्रीन पीस की बात करें तो 1969 में इसको बनाया गया, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर वैंकूवर में, और अगर हम बात नहीं सॉरी सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ग्रीन पीस की अगर हम बात करें, ठीक। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के लिए हैं रवि चेलम, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस की इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। तो इंडेक्सेस में किसने इंडेक्स रिलीज किया, इंडिया की रैंक कितनी थी, फर्स्ट रैंक पे कौन था, हमने इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको दी हुई है, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक। तो पूरी लिस्ट है आपके सामने यहाँ पर, जो हमेशा की तरह आपको हम देते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे म्यूजियम की, आज़ादी के दीवाने म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, रेड फोर्ट में हुआ, हम उसकी बात आपसे यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एनवायरमेंट डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर एंड एनवायरमेंट। इन्होंने आज़ादी के दीवाने म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया रेड फोर्ट दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली में, ये पॉइंट आगे देखते हैं। देखिए इट इज क्रिएटेड बाई द आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बनाया है आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और ठीक है, तो आज़ादी के दीवाने रेड फोर्ट आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है, डॉक्टर महेश शर्मा ने इसका इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द म्यूजियम इज फिफ्थ इन द सीरीज, तो ये पांचवा म्यूजियम था सीरीज में, मतलब कि कॉन्टिन्यूस म्यूजियम पे म्यूजियम बनाए गए, और इसमें से एक बड़ा ही फेमस म्यूजियम था सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। आजादी के दीवाने म्यूजियम, इसका इनॉग्रेशन किसने किया, ये कहां पर बना, ये पॉइंट याद रखना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ ये काम करती है, उसके अंडर में ये काम करती है। वैसे इसको 1861 में बनाया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, लेकिन बाद में फिर ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। उषा शर्मा की बात करें तो ये करंट डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उषा शर्मा नाम आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूजियम की बात कर रहे हैं, तो एक स्टैटिक पॉइंट आपको हम यहां पर देते हैं, इंडिया के जो टॉप फेमस म्यूजियम्स हैं, हमने उनकी लोकेशन, उनका स्टेट और किस ईयर में फाउंडिंग ईयर, देखिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वही आपसे शायद पूछे जाएंगे, इसीलिए उस लिस्ट में हमने आपको केवल यही सारे पॉइंट दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमने पूरी लिस्ट आपको दी है स्टैटिक पॉइंट में, ठीक। चलिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया कि सर जो आप जीआई टैग देते हैं तो वो एक स्टेट में इतने ज्यादा हैं कि हम कैसे याद करें, तो हमने आपको प्रॉपर जो सबसे फेमस चीज है उसकी एक लिस्ट यहां पर दी है, तो ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे बेटा, तो पीडीएफ में ये सारे पॉइंट आपको दिखेंगे, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने एक एक स्टेट से केवल एक एक चीजें ली हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआईटी की बात करते हैं, हालांकि ज्यादा खुशी तब होती जब ये प्रोजेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता,
ठीक। हालांकि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर थोड़ा छोटा है कॉम्प्लिकेटेड एरिया में, तो वहां पर ये लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। आइए उसकी इन्फॉर्मेशन बात करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट बोल्ड QIT, अब यहाँ पे बोल्ड QIT का मतलब क्या है, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। अब बोल्ड QIT आपके एग्जाम में एब्रीविएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लॉन्च हुआ है और ये आसाम में लॉन्च हुआ है, बेसिकली आसाम। आसाम में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर मैनुअल पेट्रोलिंग करना काफी टफ होता है हमारे BSF के लिए, तो वहां पर अब जो बॉर्डर की रक्षा होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस के थ्रू होगी, ताकि हमारी जो सुरक्षा बल हैं जिनको अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल लोकेशंस, वो नहीं होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो आसाम में लॉन्च हुआ ये, ठीक। आगे भी देखें तो IT विंग ऑफ BSF की जो IT विंग है उसने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो ये आपको दिखाया जा रहा है। हालांकि ये बस पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है। तो बोल्ड QIT इसका फुल फॉर्म आपको लर्न करना है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ये बना, आसाम स्टेट में ये बना, ये चीज आपको ध्यान देनी है बस, ठीक। देखिए तो ये तो भावनाओं को समझने वाली बात है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। आगे बात करें तो देखिए राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है, और ये देख लीजिए ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो ये अभी आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये पॉइंट अप जरूरी हो गया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन, मतलब किस कंट्री के बीच में, किन दो कंट्रीज के बीच में कौन सी लाइन्स हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, उसका एक हमने स्लाइड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे PDF में होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको BSF के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो BSF में आपको रजनीकांत मिश्रा का नाम रखना है, ये डायरेक्टर जनरल है इसलिए, और अगर हम बात करें और तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्लाइड में पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश वर्ल्ड मैप पे मतलब कहाँ पर आता है, ये देख लीजिए। इसके बाद कैपिटल ढाका है, करेंसी टक्का है यहाँ की, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है, और ये तो आपको याद ही होगा, कई बार हम बात कर चुके हैं। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई, नाम क्या था, संप्रीति, ठीक। चलिए देखिए अब आपको आगे बताएं तो देखिए इंडिया इस समय एक स्टेप आगे की सोच रहा है। क्या आपको फेम इंडिया प्रोजेक्ट का नाम याद है? एग्जैक्टली में हमारी गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, एक स्कीम बनाई है फेम, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप हो जाएंगे तो इनके चार्जिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अभी कार या बाइक चलाते टाइम पर हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, फिलिंग स्टेशन होते हैं जहां पे हम पेट्रोल भरते हैं, तो यहां पर BHEL ने भी वही काम किया है। तो BHEL ने EV चार्जर नेटवर्क सेटअप करने की बात बोली है, मतलब अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा तो उसे भी अपनी कार को चार्ज करने के लिए कोई प्लेस चाहिए, ये वही बात हो रही है। BHEL शुरू कर रहा है, इसकी बात हम कर ले यहाँ पे, ठीक। देखिए BHEL will be setting up a network of solar based electric vehicle charger, यानी कि जो ये charging points होंगे, ये जो stations होंगे, ये solar system से charge होंगे, ठीक है, मतलब इनको power मिलेगी और ये आगे इसे electric में इसे convert करेंगे, ठीक। देखिए Delhi Chandigarh highway, तो सबसे पहले Delhi Chandigarh highway पर ये बनाया जाएगा, तो ये भी point आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़े, the project will be covered under the Department of Heavy Industries फेम स्कीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गेम चेंजर स्कीम है। और यहां पर देखें फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो फेम में आपको ये फेम का फुल फॉर्म लर्न करना है, ये जरूरी है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वही बात हो रही है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा अगर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे तो, वरना आप चलाएंगे ही नहीं, तो ये तो केवल समझने वाली बात है। चलिए BHEL की बात कर ले, तो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात कर ले, 1964 में ये बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अतुल सोबती इसके चेयरमैन और MD हैं। BHEL की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं। अच्छा BHEL भारत कंपनी की नौरत कंपनी, जरा मुझे बताओ BHEL हमारे देश की नौरत कंपनी में आती है कि भारत कंपनी में आती है, मैं आपको यहां पर देख रहा हूं, ठीक। देखिए तो फेम इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इतना पढ़ने से जरूरत नहीं है, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कुल मिला जुला कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना मैन्युफैक्चरिंग करना, यही है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हुए फेम इंडिया की बात करें तो एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि ये 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ऑटो, पैसेंजर एंड फोर व्हीलर व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस, ये सब बनाए जाने हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर से चलेंगे। ठीक है, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात कर लें तो अनंत गीते मिनिस्ट्री, क्या ये सही लिखा है यहाँ पर अनंत गीते, जरा मुझे बताइएगा। तो अनंत गीते मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं और बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। यानी अनंत गीते जो हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बाबुल सुप्रियो ये स्टेट मिनिस्टर हैं सेम डिपार्टमेंट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नहीं, इतने टाइम क्लास नहीं लेंगे, मॉर्निंग में ही लेंगे जी। नेक्स्ट पॉइंट, मर्जर और एक्विजिशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मर्जर्स एंड परचेस की बात करते हैं आपसे। देखिए क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर हम दे सकते हैं। देखिए जोमैटो की बात करें तो जोमैटो विल सेल इट्स यूएई फूड डिलीवरी बिजनेस। राम यादव बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे दो थोड़ा सा यार। देखिए तो जोमैटो की बात करें, जोमैटो विल सेल इट्स यूएई फूड डिलीवरी बिजनेस टू जर्मनी डिलीवरी हीरो ग्रुप फॉर अबाउट 172 मिलियन। तो जोमैटो ने अपना यूएई, जो यूएई का जो बिजनेस है वो जर्मनी के हीरो ग्रुप को सेल कर रहे हैं 170 मिलियन डॉलर में, 172 मिलियन डॉलर में। तो एक पॉइंट आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और अगर आगे बात करें, दीपक अनंत गीते का निधन हुआ या अनंत कुमार का निधन हुआ है, दो लोग थे, जरा सा देखिए, किसी जिंदा को मारना बहुत बड़ा अपराध है बेटा। ठीक, आगे देखते हैं, जोमैटो की बात कर लें तो जोमैटो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इतना पॉइंट ध्यान दीजिए, आपको और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, और अगर बिजनेस इकोनॉमी में फिर से बात करें तो देखो इसके पहले हमने क्या बात की थी, इसके पहले हमने जोमैटो की एक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और अभी आपको हम आईसीआईसीआई बैंक की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ICICI बैंक विल एक्वायर 99.9% स्टेक इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी किसान फाइनेंस फॉर कैश कंसिडरेशन ऑफ 17.82 करोड़। तो ICICI बैंक ने, एक कंपनी है किसान फाइनेंस, इसमें 9.9% का शेयर परचेस कर लिया है 17.82 करोड़ रुपीज देकर। 17.82 करोड़ रुपीज देके ICICI बैंक 9.9% शेयर, कंपनी का नाम किसान फाइनेंस है आपके सामने। तो ये पॉइंट आपको हमने एक और एक्विजिशन का पॉइंट आपको बताया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ICICI की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1994 में से बनाया गया, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है, संदीप बख्शी MD और CEO है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहां पर, और रिपोर्ट और इंडेक्स की हम बात करने वाले हैं। तो इंडिया टॉप्स इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अगेन। तो इंडिया ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में सबसे पहली रैंक हासिल की है, यह बड़ी अच्छी खबर हमारे लिए यहां पर आ रही है। देखिए, इंडिया टॉप्ड द ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद नेल्सन। नेल्सन एक सर्वे एजेंसी है, तो इसने बताया कि इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में सबसे नंबर एक पर है। ठीक, द सर्वे वॉज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट एंड पोल्ड मोर देन 32,000 कंज्यूमर्स इन 64 कंट्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये मालूम चले कि 32,000 कंज्यूमर 64 कंट्रीज में सर्वे हुआ, उसमें इंडिया ने टॉप किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेल्सन कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पर देना चाहेंगे। तो नेल्सन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी US में है, इतना देख लीजिएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ये एक तरह की सर्वेयर कंपनी है, सर्वे करती है ये। ठीक, देखिए तो लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस लॉन्च रिसेंटली की इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, जो अभी अभी इंडेक्सेस आए हैं। तो आपको अगर मालूम है, एक देखिए इंफॉर्मेशन यहां पे है, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इंडिया टॉप द इंडेक्स विथ 46.6 मिलियन स्टंट चिल्ड्रेन। बहुत खराब न्यूज है ये है। उसके बाद देख लीजिए यहां पर, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में इंडिया की 36 रैंक आई है, इंडिया को ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में 78th रैंक मिली है। ठीक, मुकेश अंबानी जो है ये 8th richest पर्सन है विथ 54 बिलियन US डॉलर के साथ, तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 79th रैंक पर है इस बार। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया जो है स्वीडन सबसे टॉप पर है, स्वीडन सबसे टॉप पर है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड ने टॉप किया है, इंडिया की 108th रैंक है, और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया की 47th रैंक है। तो कुछ नए इंडेक्सेस आपको यहाँ पर हमने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हुए बिजनेस और इकोनॉमी की बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, तो RBI ने 4 बैंकों पर फिर से पेनाल्टी लगाई। बहुत खराब बात है, RBI रोज पेनाल्टी लगा रहा है, हम याद कैसे करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। चलिए,
आरबीआई ने 8 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है कर्नाटका बैंक पर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर और करूर वैश्या बैंक पर। आगे बढ़िए, तो बैंक वेयर चार्ज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस ऑन स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो स्विफ्ट मैसेजिंग पर जो आरबीआई के अपने बातें थी उसको न मानने की वजह से इन बैंकों पर पेनाल्टी लगी है। तीन बैंक आपके सामने हैं, तीनों बैंकों पर मिला जुलाकर 8 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। ₹4 करोड़ की फाइन लगी है कर्नाटका बैंक पर, यूनाइटेड बैंक पर 3 करोड़ की पेनाल्टी लगी है और करूर वैश्या बैंक पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगी है। याद करना मुश्किल होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा यस बैंक भी यहाँ पर है जिन पर 1 करोड़ की और पेनाल्टी लग गई है, यस बैंक के ऊपर भी, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। अब देखिए, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्या बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक का हेडक्वार्टर और इनके एमडी सीईओ का नाम हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी हर 2 महीने पर एक बार आती है। फरवरी में आ चुकी है और आगे कब आएगी? आगे आएगी अप्रैल में, नई शुरुआत होगी, ठीक। तो फरवरी के पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्लाइड पर आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जब आरबीआई इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इसे रट्टा भी मार लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब ऑबिट्रीज की बात कर लें, श्रद्धांजलि की बात कर लें। तो एक्स यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, वी धनंजय कुमार, पास्ड अवे। तो ये सिविल एविएशन एंड टूरिज्म मिनिस्टर थे 1996 में, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि धनंजय कुमार का निधन हो गया। ये क्या थे, ये एक पॉलिटिशियन थे। उसके बाद आगे बात करें तो एक्टर ल्यूक पेरी का भी निधन हो गया है और ये ही रोज टू फेम इन द हिट 90s टेलीविजन सीरीज ब्रेवली हिल्स एंड 90210, मैंने तो देखा नहीं है, नाम याद कर लीजिएगा ल्यूक पेरी का, इनका भी निधन हो गया है, बहुत दुख की बात है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट पे ले चलते हैं और यहां पर आपके पास फटाफट 10 न्यूज आएंगी जो आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। देखिए तो हैंडलूम हाट का जनपथ दिल्ली में इनॉग्रेशन हुआ, किसने किया, इमेज में आपको दिखाई पड़ी रहा है, ठीक है। तो स्मृति ईरानी जी ने इनॉग्रेशन किया रिफर्बिश्ड हैंडलूम हाट का जनपथ न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट जो आपको लर्न करना है, ठीक, पहली न्यूज। दूसरे न्यूज की बात करें तो 96% यूज हुआ है टॉयलेट्स का अंडर स्वच्छ भारत। तो अभी जो विपक्षी दल है, बीजेपी के एंटी जो है, उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वच्छ भारत में टॉयलेट्स तो बना दिए गए तो क्या इसका यूज हो रहा है। तो एक सर्वे हुआ और सर्वे बताया कि 96% यूज हो रहा है, ठीक। तो द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे के हिसाब से 96.5% जो हाउस होल्ड है वो इस टॉयलेट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक। द सर्वे ऑल्सो रिकन्फर्म द ओपन डिफेक्शन फी स्टेटस ऑफ 90.7% ऑफ विलेजेस। यानी गांव में से हमने 90% ओपन डिफेक्शन जो था वो खत्म कर दिया है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये भी, है ना। चलिए न्यूज नंबर 2, न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पर क्या क्या पॉइंट है तो देख लीजिए, यहां पर देखिए झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे ज्वाइन द टॉप 5 क्लब इन द लेटेस्ट ICC वुमेन क्रिकेट रैंकिंग फॉर ODI बॉलर्स में। तो झूलन गोस्वामी को, शिखा पांडे को टॉप 5 में जगह मिली है। कहां कहां जगह मिली है आइए उसकी बात हम कर लें। तो शिखा पांडे को 3rd रैंक मिली है टॉप बॉलर्स में और झूलन गोस्वामी टॉप पर बनी हुई है ICC वुमेन क्रिकेट रैंकिंग में। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। आइए न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है ये पराग्वे विजिट पर गए हैं, ऐसी न्यूज काफी आती है, पर्सन ऑन विजिट में ये पॉइंट आना चाहिए था। देखिए तो मिस्टर एम वेंकैया नायडू हमारे कंट्री के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये 2 दिन की यात्रा पे पराग्वे और कोस्टा रिका गए हैं। पराग्वे भी गए हैं, कोस्टा रिका भी गए हैं, देख लीजिए यहां पर, ठीक है। 2 देशों की यात्रा पे गए हैं पराग्वे और कोस्टा रिका और टोटल 8 डे का इनका टूर है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए ये इनका दौरा है। तो पराग्वे की कैपिटल करेंसी हमने आपको दी है, कोस्टा रिका की कैपिटल करेंसी हमने आपको दी है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। आइए न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं जो कि अवार्ड पर बेस्ड है। तो DRDO चेयरमैन कौन है, नाम आपको पता है, मैंने बोर्ड पर पढ़ाया है, इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला है। आइए उसकी बात थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सतीश रेड्डी द सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन ऑफ द DRDO, तो इनको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने को विनर घोषित किया है 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के लिए। यानी ये को विनर है, इनके साथ एक लोग और भी हैं। तो सतीश रेड्डी को कौन सा अवार्ड मिला है,
2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसने दिया है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने दिया है। तो इनके साथ और कौन था, हम उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इनका नाम है रोडेल जे विल्सन। तो केवल नाम याद कर लीजिएगा और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूज नंबर 5 पर चल रहे थे, ठीक। आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं, और बात यहाँ पे हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, ठीक। देखिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू अपॉइंट लोकपाल इन यूनिवर्सिटीज। तो महाराष्ट्र जो है वो विश्वविद्यालय में लोकपाल अपॉइंट करेगी, और ये हमारे कंट्री का पहला स्टेट बन जाएगा ऐसा करने वाला। देखिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ लोकपाल इन ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। तो महाराष्ट्र में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो हर यूनिवर्सिटीज में लोकपाल अपॉइंट किए जाएंगे। ये देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑम्बड्समैन वुड बी मेड इन द नेक्स्ट 2 or 3 months। तो बेसिकली ये जगह क्या होगी, यहाँ पर स्टूडेंट अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लेन कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में इनका अपॉइंटमेंट, ऑम्बड्समैन का अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, आपको ये फर्स्ट स्टेट है, यही मैं आपको बोल रहा था, ठीक। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो US ने और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, ये जो अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे फॉल ईगल एंड की रिजॉल्व, तो इसे खत्म करने का फैसला किया है, समाप्त करने का फैसला किया है। ये देख लीजिए यहां पर, तो US एंड साउथ कोरिया डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर जॉइंट एक्सरसाइज फॉल ईगल एंड की रिजॉल्व एंड इंस्टेड बाइफरकेट देम इनटू स्मॉलर एक्सरसाइज। तो इतने बड़े एक्सरसाइज को खत्म करके छोटे छोटे एक्सरसाइजेस किए जाएंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, तो नॉर्थ कोरिया से जो टेंशन खत्म करने के लिए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया, अभी आपको पता ही है कि ये US और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो डील थी वो रद्द हो गई। तो US चाहता है कि ठीक है किसी इंसान को मारो लेकिन मार मत डालो, तो वही वाला पॉइंट है। चलिए एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात कर रहे हैं, 8 नंबर न्यूज। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नॉर्टन दिशा नाम की एक पहल शुरू की है, ये क्या है, IS के बारे में थोड़ी बात करते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अनाउंस्ड, तो यहां पर देख लीजिए, नॉर्टन दिशा फॉर असेसिंग द एकेडमिक लेवल ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3 to 8। तो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे असेस करने के लिए यहां पर नई दिशा या नॉर्टन दिशा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और इसका शुभारंभ वहां के एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ ने किया है। तो 3 to 8 क्लास के बच्चों की एकेडमिक लेवल जो है उसे असेस करने के लिए न्यू डायरेक्शन या फिर नॉर्टन दिशा नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कौन सा, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, ठीक। चलिए, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और अपने MCQ की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। तो SpaceX launched an unmanned crew dragon craft from this place to the International Space Station on 2 March. ये आपको बताना है कि अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में रिवीजन मैंने आपको कराया, तो क्या इसका आंसर होगा, ये देख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर होगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था ये क्रूज शिप, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस फ्लैग्ड ऑफ 11.28 किलोमीटर लॉन्ग सेकंड फेज ऑफ दिस मोनोरेल नेटवर्क ऑन 3 March। आपको मैंने पढ़ाया था कल ही, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर। यूपी लेखपाल की नोटिफिकेशन आ गई है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुंबई, मुंबई मोनोरेल नेटवर्क, आपको ये पढ़ाया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हु हैज एज्यूम चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपसे पूछ लिया गया है और आपको इसका आंसर देना है। पढ़ाया गया आपको, तो बिल्कुल आप बता देंगे। And the answer is option number 2, Bhagwan Lal Sahni. Bhagwan Lal Sahni is right answer. Option number 2 is right answer. Let's move to our next question, question number 4. As per World Bank Women Business and the Law 2019 report, how many countries in the world have been found to ensure gender equality in law affecting work? Aapko ye padhaya gaya hai, kya iska answer hoga? And the answer is option number 3, 6. 6 is right answer. 6 desh keval. Aayye. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अचीव अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फीट इन सिंगल लाइन बाइसाइकिल परेड ऑन मार्च 3, 2019।
तो एकल पंक्ति परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल की है किसने, ये आपको बताना है। पढ़ाया ये भी गया आपको, क्या इसका आंसर होगा? और इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। और लाइक और शेयर तो करना ही है आपको वीडियो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अडानी पावर रुपीज 14,000 करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट इन दिस स्टेट दैट विल एक्सपोर्ट पावर जनरेटेड टू बांग्लादेश। कल मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, कमेंट में बने रहिएगा। इसका आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी ऑन 2nd मार्च। तो ICC क्रिकेट कमेटी के हेड कौन बने हैं? अभी मैंने आपको रिविजन कराया था। इसका आंसर क्या होगा? कल का पीडीएफ तो कल दे दिया ना बेटा, आज का पीडीएफ आज लीजिए ना। आंसर इज अनिल कुंबले। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, An MOU was signed between the Maharashtra Industrial Development Corporation and Chinese paper manufacturing firm Nine Dragon to invest how much amount in this state? तो महाराष्ट्र में और चाइनीज पेपर मैन्युफैक्चरिंग फर्म नाइन ड्रैगन ने कितने का, ये कितना इन्वेस्टमेंट करेगी ये कंपनी चाइना वाली महाराष्ट्र में, ये पूछा गया आपसे। एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4,500, 4,500 हमारा सही आंसर है, ठीक। करोड़ रुपए, रुपीज नहीं है, करोड़ रुपीज है पूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक बैक्ड द बेस्ट बैंक अवार्ड फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन 3 मार्च? आंसर आपको पता है, व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंडियन बैंक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्डिनेंस दैट अलाउ वॉलेंट्री यूज ऑफ आधार एज ID प्रूफ फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड बाइंग सिम कार्ड विल ओमिट सेक्शन ऑफ द आधार एक्ट। तो आपको ये मुझे मैंने बताया है कि ये सेक्शन जो है रद्द कर दे, ये सेक्शन जो है तो बैंक खातों को खोलने और सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग को ID प्रूफ के रूप में अनुमानित देने वाला अध्यादेश आधार अधिनियम की धारा को रद्द कर देगा। कौन सी धारा को, आर्टिकल, ये बताएं। एंड द आंसर इज 57, कल मैंने पढ़ाया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। On which bank did RBI impose a monetary penalty of rupees 3 crore? ये मैं बोल रहा हूँ टफ हो जाएगा, 3-4 दिन से कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं कि RBI बैंकों पर पेनल्टी लगाता जा रहा है। आंसर 3 करोड़ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे लगा था, ठीक। चलिए, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑन 5 मार्च 2019? तो अब तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, मैंने इसे आज ही पढ़ा दिया आपको, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर गुजरात गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च वन नेशन वन कार्ड ऑन 4th मार्च? तो वन नेशन वन कार्ड कहां पे लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। एंड द आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन रेसलर वॉन अ गोल्ड मेडल इन 65 kg फ्री स्टाइल इन डैन कोलो निकोला पेट्रो टूर्नामेंट इन बुल्गारिया? तो कल हमने आपको ये पढ़ाया था, क्या इसका आंसर होने वाला है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बजरंग पुनिया। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। SR ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड रिसीव एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर एक्सप्लोरिंग शेल गैस रिजर्व इन दिस स्टेट, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। Let's move to our next question, 16th question. Which district has been ranked first among the 112 aspirational district of India based on the performance during November-December 2018 and January-19 as per report from Niti Aayog? आपको मैंने पढ़ाया था कि 112 aspirational district में किस सिटी ने टॉप किया है जो उसके पहले 52 रैंक पर था, ये नंबर एक पर आ गया है नीति आयोग का ये ये जो रैंकिंग सिस्टम है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर हैलाकांडी। किस स्टेट का था ये आपको पता है, किसकी, जरा मुझे बताएं कौन से स्टेट का ये डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बस आ ही गया है, देखिए। वेयर विल अ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बी सेटअप टू इंश्योर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? आपको मैंने ये भी पढ़ाया है, आसाम है कि तमिलनाडु है, क्या है जल्दी बताओ मुझे, ठीक है आसाम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, और ये क्या है, ग्वालियर है, ग्वालियर इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु विल बी द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार ऑन 17 अप्रैल. तो प्रथम प्राप्तकर्ता है, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फर्स्ट है तो, और इंसान भी इंपॉर्टेंट है. इनका नाम क्या है? अभिनंदन वर्तमान, इन्हें कोई भूल ही नहीं सकता, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु वॉन द दुबई टेनिस ओपन ऑन 2nd March 2019? दुबई टेनिस ओपन किसने जीता था? यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर क्या होगा? रोजर फेडरर. तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं, एज हो गई है लेकिन जीतते आ रहे हैं. आइए और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सेनेगल, एंड द आंसर इज मैकी सॉल. आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको तब तक पीडीएफ की अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ. आपका पीडीएफ बस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरी बात ही सुन लीजिए तब तक, ठीक. कल आपकी क्लास मॉर्निंग में 7:30 पर होगी, तो वो तो आपको आना ही आना है, ठीक है. उसके बाद दूसरी बात आपको ये समझनी है कि कल 5:00 पर आपका रिवर डैम स्टेट का एमसीक्यू है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है. तो कल 7:30 पे हम मिलेंगे, तो अपने मन में कोई गलत फहमी मत बनाइएगा कि हमारी क्लास अब शाम को इवनिंग को शिफ्ट हो गई है, ठीक है बेटा. और ये रही हमारी आपकी पीडीएफ, इसे देख लीजिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे पढ़ाई कर लीजिएगा. इसमें बहुत सारे नए पॉइंट हैं जो हमने आपको दिए. तो गाइज मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7:30 पे और मिलके धमाल मचाते हैं एक बार और, ठीक. तब तक के लिए सबको गुड नाइट, आराम से अभी मत सो जाइएगा, अभी 8:20 हो रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट 11 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए, है ना. और नींद अगर आ रही है आपको तो डर नहीं लग रहा है, सोचो ना कि बॉयज की बात करते हैं स्पेशली, साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, 6 महीने कुछ नहीं पढ़ते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं. अब सेमेस्टर के एग्जाम 3-4 दिन बाद से शुरू है, तो हम लोग बुक्स का, हम लोग मतलब मैं भी उसमें, हम लोग बुक्स का जुगाड़ करते हैं, सिलेबस देखते हैं और एक एक दिन एक एक रात पढ़कर एग्जाम देते हैं और पास भी होते हैं और फर्स्ट डिवीजन भी पास हो जाते हैं. तो वो डर होता है ना कि यार अब तो फेल होंगे ही होंगे, पढ़ लो भाई. तो वो डर एक दिन में, एक रात में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता है. तो अगर ये डर हमारे अंदर हो कि यार हमें सिलेक्शन लेना है, अगर नहीं हुआ तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोना छोड़ दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो फालतू हर टाइम पर आपको नींद आती है वो नहीं आएगी आपको. देख लीजिए, चॉइस इज योर्स, करियर आपका है, मेहनत आपको करनी है. हाँ, लेकिन इस मेहनत में आपके साथ हम बराबर चलेंगे, हमारा वादा आपसे. मिलते हैं कल 7:30 पे, तब तक के लिए गुड नाइट, आराम करिए और पढ़ाई करिएगा. थैंक यू.